महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है: धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 04600100006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 5020006636742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर चेतना नगर औरंगाबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 4070166 1398, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। यह चर्चा पूरे देश के अंदर फैल गई और सारे राजकुमार सीता स्वयंवर में पहुंच गए। सीता को देख करके सबके मन में विचार आने लग गए कि यदि ये हमको मिल जाए तो हमें कुछ नहीं चाहिए। नाना प्रकार के आलाप विलाप सब करने लग गए और जब स्वयंवर की विधि आई जनक ताज उनको बुलवाए, जय सिया राम बोलो, जय जय श्री राम, जय सिया राम बोलो, जय जय श्री राम। ओ सीता स्वयं परे जनक कराए, राजाओं को जनक बुलाए, जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। जो भी धनुष पे डोर चढ़ाए वो ही सीतापति कहलाए, जय सिया राम बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। जो धनुष चढ़ाएगा, दूर प्रतिन चढ़ा देगा, धनुष के पास पहुंच जाएगा, वही सीतापति हो सकता है। ये बात जब सबने सुनी तो सभी अनेक अनेक वीर राजकुमार, यहां तक कि लंकापति दशानन भी वहां आया और धनुष के पास जब गया तो धनुष से चिंगारियां निकलने लग गई, अग्नि की लपटें निकलने लगी और सर्प फुफकारने लग गए। उन सर्पों को देख करके अनेक अनेक राजकुमार उन सर्पों की श्वास को सहन नहीं कर पाए, कोई पत्तों की तरह उड़ गए, कोई भाग गए, कोई घबरा गए, किसी ने कहा हे प्रभु शक्ति दो, पैरों में शक्ति दो, हम यहां से भाग जाएं, कोई कहते हैं कि हमें तो इस कन्या से क्या मतलब है, हम तो किसी और स्त्री के साथ में रह लेंगे, कोई कहते हैं कि हमें तो इससे कोई मतलब नहीं, हम तो साधु बन जाएंगे, इस प्रकार की नाना प्रकार की बातें सभी करने लग गए। धनुष चमक से
तोड़े भागे मुरीचा आए राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम। सूखे पत्तों सम उड़ जाए चतीन हो वापस जाए राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम। और जहां राम विराजे थे वे शांत गंभीर बैठे थे। जनक ने मंच से कहा कि आज लगता है कि मैं बता रहा हूं अनेक रामायण है, पद्म पुराण है, पौंचरियु है, पद्मचरितम है, उत्तम पुराण है, कंब रामायण है, और अधिक प्रकार की रामायण है। उन सब के आधार से मैं आपके साथ कुछ चर्चा करता हूं कि वह राम बैठे रहे। जनक ने कहा लगता है कि आज सारी धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, कोई पराक्रमी वीर नहीं है। तब सब बात सुनकर के लक्ष्मण ने कहा महाराज जनक, जहां हमारे ज्येष्ठ अग्रज राम बैठे हो वहां ऐसी बात शोभा नहीं देती है। हमारे भाई पराक्रमी हैं, वीर हैं, अत्यंत गंभीर हैं और अत्यंत पराक्रमी हैं, तो कहां कहां उनका पराक्रम है। वो आए पाकर के धनुष को उठाएं। जब जनक ने कहा तब राम गंभीरता से, विनय से, शालीनता से व गुरुजनों को प्रणाम करके और धनुष के पास में गए, धनुष को परिक्रमा दी, धनुष के जो देवता थे उनका आह्वान किया और उस देव शक्ति का आह्वान करके उन्होंने बड़े शान से शालीनता के साथ में जब धनुष के पास पहुंचे तो धनुष एकदम शांत हो गया, उसमें न चिंगारी उठी न सर्प, सब विलीन हो गए और राम ने धनुष को उठाया, चढ़ाया, चढ़ाते के साथ ही इतनी ध्वनि हुई कि मयूर नृत्य करने लग गए, हजारों बाजे बज गए और आकाश से देवों ने पुष्पों की वृष्टि की, जय हो साधु साधु बहुत उत्तम ऐसा कह करके सारे संसार ने जय घोष किया। उस समय ही राम धनुष के निकट में आए शांत रूप अब धनुष दिखाए महावीर बोलो जय जय श्री राम राम सिया राम बोलो जय जय सिया राम। निर्भय हो प्रभु तन से उठाए मयूर मयूरे नृत्य दिखाए राम सिया राम बोलो जय जय सिया राम राम सिया राम बोलो जय सिया ओ साधु साधु सुरगण बोले पुष्पांजलि नभ से सुर छोड़े वीर महावीर बोलो जय जय सिया राम सिया राम बोलो जय जय सिया राम।